और जी कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने हमारे मेडिकल वाले वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और बाकी मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ। मैंने बस आप लोगों के कहने पे एक वीडियो बनाया था और उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन ना फिर से मैं इन सर के पास आई हूँ, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करेंगे। जितना हो सकेगा उतना मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, बहुत छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों के क्वेश्चंस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि लोगों ने सबसे ज़्यादा ये पूछा है कि हम एक लाइसेंस हमारे पास होता है तो उससे हम कितने मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअल में होता क्या है कि एक लाइसेंस पे एक ही एप्लीकेबल है अभी तो, लेकिन पहले क्या था कि साल दो साल पहले एक लाइसेंस पे दो दो तीन तीन लाइसेंस खोल सकते थे, पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेड इन इंडिया को जो अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है उसके हिसाब से ऑनलाइन फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में कर दी हैं, जिसकी वजह से एक लाइसेंस पे एक ही मेडिकल इशू होता है, दूसरा इशू के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हो ही नहीं पाता। होता क्या है, बस यही है, एक ही कर सकते हैं। यानी कि ये जो है एक लाइसेंस पे एक ही मेडिकल हो सकता है, अब ये जरूरी है। तो गाइस पहले आप काफ़ी खोल सकते थे, दो खोल सकते थे, तीन खोल सकते थे, लेकिन अब एक लाइसेंस पे आप एक ही मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ।